दोस्तों ने सोचा कि हम थ्रो बॉल खेलें। इसके लिए हमें बहुत सारे बॉल्स और बास्केट चाहिए थी। तो फिर क्या हुआ, आए मैं आपको बताता हूँ। सारी बॉल्स गिरा दी। पहले ही मेरे पास बॉल्स बहुत कम हैं। और जान, तुमने भी तो मेरे सारे पेपर्स गिरा दिए हैं ना। चलो अब उठाने में मेरी मदद करो। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। अभी मुझे अपनी गेम के लिए 50 बॉल्स इकट्ठी करनी है। लेकिन जान, 50 बॉल्स तो तुम कभी भी इकट्ठी नहीं कर पाओगे। आओ मेरे साथ पेपर्स उठाओ और जाकर कोई और गेम खेलो। जी नहीं, मैं ये पेपर्स नहीं उठाऊंगा। जान, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। अगर तुम मेरी पेपर्स उठाने में मदद करते तो मैं रिसाइकलिंग के जरिए तुम्हें नई बॉल्स बना देता। रिसाइकलिंग? गेम के लिए बॉल्स पूरी हो गई? नहीं, मैं तो 2 बॉल्स लेके आया हूँ। जान, तुम्हारी 2 बॉल्स हैं और गुड़िया और एलिफ की एक एक। लेकिन मैट, हम इन 6 बॉल्स से थ्रो द बॉल नहीं खेल सकते। इस गेम को खेलने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा बॉल्स चाहिए, क्योंकि जो जितनी बॉल्स फेंकेगा वही जीतेगा। हाँ, इससे तो ये बॉल्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। मुराद भाई, रिसाइकलिंग के जरिए नई बॉल्स बनाने का तरीका बता सकते हैं। मगर क्या? मगर मैंने उन्हें नाराज कर दिया, अब तो वो मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आइडिया, मैं मुराद भाई से सॉरी कर लेता हूँ। क्या करूं? वो मुराद भाई, सॉरी, अब नहीं करूंगा। मुराद भाई, वो मुझे रिसाइकलिंग के जरिए बॉल बनाना सिखाए ना। नहीं जान, तुमने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। जाओ यहाँ से। मुराद बेटा, तुम्हें जान को माफ कर देना चाहिए, बल्कि उसकी मदद भी करनी चाहिए, ठीक है ना? अगर तुम लड़ाई खत्म करने में पहल करोगे तो जान की नज़र में बड़े भाई के लिए एहतराम बढ़ेगा और झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। दादी ठीक कह रही हैं। मुझे जान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो बेटा, अब आप जाओ और छोटे भाई की बॉल्स बनाने में मदद करो। ठीक है दादी जान। अरे चलो जान, तुम्हारी गेम के लिए बहुत सारी बॉल्स बनाते हैं।
मुराद भाई, ये एक्स्ट्रा पेपर्स, इनसे बनेंगे बॉल्स? जी हाँ, वही फालतू पेपर जिन्हें मैं फेंकने जा रहा था और जिन्हें तुमने गिरा दिया था। अब हम इन्हीं को रिसाइकल करके कागज की बॉल्स बनाएंगे। हाँ, जब कोई चीज जाया हो जाए तो उसे फेंकने के बजाय उसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चलो आओ मिलकर बॉल्स बनाते हैं। ये देखो, ये मैंने पानी में पेंट मिक्स किया हुआ है। एक में है येलो कलर, एक में है रेड और एक में है ब्लू। अब हम इस कागज की बॉल बनाएंगे और फिर इसे पेंट में डिप करेंगे। ये देखो, ये बॉल बन गया। अब हम इसे अच्छी तरह पेंट में डिप करेंगे, ठीक है? ये देखो, ये कलरफुल हो गया है। अब हम इसे पानी से निकालकर धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। ये और ये गुड़िया जीत गई। एलिफ की 20, गुड़िया की 30। ओ, ये तो गुड़िया जीत गई। उस दिन हमने बनाए पेपर बॉल और उनसे खेलने का बहुत मजा आया। और एक बात बताऊं, मुझसे गलती हो गई। मैंने मुराद भाई से बदतमीजी की और मुराद भाई मुझसे नाराज हो गए। बाद में मैंने उनसे सॉरी की तो वो मान गए। फिर उन्होंने हमें पेपर को रिसाइकल करके बॉल्स बनाने सिखाए और ऐसे बहुत सी चीजें बन सकती हैं। बाद में क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।